सजाएंगे एक जेन कॉर्नर, जो कि एक बड़ी थाली लेके उसमें मार्बल के पत्थर डाल दीजिए। फिर उसमें बुद्ध जी की मूर्ति हम बिठाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि बुद्ध जी एक काम वाइब स्प्रेड करते हैं। फिर थोड़ी सी जगह बना के वहाँ पे गणेश जी का ऐसा इसेंस होल्डर, बैक फ्लो जो होता है वैसा एक इसेंस होल्डर रख देंगे। बहुत ही प्रिटी था, मैंने ये अमेज़ॉन से लिया था, मैं इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब एक गमले में मनी प्लांट को मैंने छोटे छोटे स्टोन्स और पानी में लगा के ऐसे रख दिया है। कुछ एक्रेलिक की छोटी बॉटलें थी खाली, जिसमें मैंने स्पाइडर प्लांट्स को पानी भर के रख दिया है। एक ये सेवन चक्र का ट्री आता है, जो आपके घर को क्लींस करता है और पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट करने में मदद करता है। उरुली लेंगे, उरुली एक तरह के का बोल होता है जिसमें हम पानी डालते हैं और थोड़े से फ्लावर्स स्प्रेड करते हैं। यहाँ मैंने लिए है प्लूमेरिया या चाफा फ्लावर्स, जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, येलो और वाइट कलर्स के एकदम वाइब्रेंट और फ्रेश दिखने वाले फ्लावर्स होते हैं। ये कुछ कैंडल्स ली है मैंने, जो कि हम विदाउट स्मोक है, इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलने वाले। अब हम थोड़ा सा वाइब्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक कोई जेन कॉर्नर एस्टैब्लिश करके या डेकोरेट करके, थोड़े से नेचुरल फ्लावर्स प्लांट्स लगा के। बैम्बू ट्री का भी मैंने यहाँ बहुत यूज़ किया है, और इस तरह हम कोई भी अपने घर के डल कॉर्नर को एकदम वाइब्रेंट तरोताज़ा बना सकते हैं। और हमें पूजा पाठ में भी थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, प्रेयर करने से हमारा मन शांत होता है, हमारा दिमाग शांत होता है, और हम बहुत कुछ अच्छा सीख पाते हैं। हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है, हम माइंड भी हमारा शांत होता है। और इस तरह से मैंने ये जेन कॉर्नर सजाया हुआ है, बहुत ही सिंपल और सोबर रखा है। इस तरह आप अपने घर में एक जेन कॉर्नर सजा सकते हैं और पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा जलता दिया और ऐसा एक कॉर्नर हमारे घर में सजा हुआ रहता है, बहुत ही काम और फ्रेश वाइब्स आती है। आई होप आपको ये अच्छा लगा। तो चलिए अभी हम सोफे का मेकओवर करते हैं। हम हमेशा हमारे घर के फर्नीचर तो नहीं बदल सकते, बट अक्सर बोर हो जाते हैं। बट क्यों ना हम अपने पुराने ही सोफे को नया लुक दें, एक थ्रो या एक कोई ऐसा फैब्रिक लेके जो हम पूरा सोफा कवर कर सकते हैं। उसमें पेंटिंग ऐड कीजिए, प्लांट्स ऐड कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा बड़ा उसका बॉर्डर है, आम रखने का ज़्यादा जगह है, और कुछ एकदम सुंदर से कुशन कवर्स आप इस पे रख सकते हैं। ये कुशन कवर्स अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं इनकी लिंक आपको भेज दूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल ये कुशन कवर्स है, जिससे ये पूरे घर का वाइब चेंज कर देते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करिए आपके घर में, जिससे आपके घर के कोई भी कॉर्नर को एक नया लुक मिल जाए। DIY 3-tier प्लांट्स हैंगर, ये प्लांट हैंगर मैंने बनाया है पॉट्स के नीचे रखने वाली प्लेट से, जो कि है फ्रॉम द ब्रांड ट्रस्ट बास्केट। आप कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक प्लेट्स भी ले सकते हैं, जो कि एक जैसी दिखने वाली हो। तीन प्लास्टिक प्लेट्स हमें लेनी है, उसके तीन कोने में इस तरह से हमें होल्स करने हैं। आप होल्स प्लास्टिक में इजिली कर पाओगे। एक जूट की रस्सी से हमें उसे अंदर की नीचे से डालना है और उन गड्ढों में से निकालना है। जिस तरह मैंने दिखाया है वीडियो में, उस तरह आप उसे रस्सी को डाल के इस तरह निकाल दीजिए। अब दूसरी प्लेट ऐड करिए, उसमें भी ये जूट का रस्सी डाल के इस तरह निकाल लीजिए। तीन प्लेट्स को हमें इस तरह लटकाना है, उसमें आप इजीली प्लांट्स रख सकते हैं और आपके घर में या फिर बालकनी में इसे डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल DIY है, जो कि आपके घर को एक सुंदर सा लुक देंगे। DIY पेंट ब्रश होल्डर, जो कि हम बनाएंगे मोल्डेड फेविक्रिल से। दो चीज़ें आती है, एक हार्डनर और एक सॉफ्टनर, उनको मिक्स करके हम इसे लंबा ऐसे बना लेंगे और फिर उसे एक अर्थवर्म या फिर स्नेल जैसा
एक लुक देंगे। सूखने पर इस पे एक सफ़ेद कलर चढ़ा देंगे और फिर उस पे ऐसे कलरफुल अलग अलग कलर के डॉट्स लगा देंगे। जैसे वीडियो में दिखा है उस तरह आप गोल सर्कल्स बना के कोई भी कलर के इस पे डॉट्स लगा सकते हैं। तो ये एक स्नेल जैसा लुक आएगा उस पे, और इसका जो यू शेप है ऊपर नीचे अप एंड डाउन, उस पे आप ब्रश को इजीली रख सकते हैं जब भी आप पेंटिंग कर रहे हैं, और आपका कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगा। इस पे आप आँख और मुंह ड्रॉ कर लीजिए तो ये पूरा स्नेल जैसा दिखने लगेगा, और देखिए कितना क्यूट लग रहा है। पेंटिंग करते वक्त इस पे रंग लगे ब्रशेस रख सकते हैं। हमारा अगला DIY है जो कि है एक मैग्नेटिक पॉट होल्डर। एक खाली बॉटल लेंगे शैम्पू की, उस पर हम वाइट कलर का पहले एक प्राइमर कोट लगा लेंगे। उसके ऊपर अलग अलग कलर की ऐसी स्ट्रिप्स या लाइंस बना देंगे जिससे ये ऐसा थोड़ा रेनबो कलर जैसे दिखेगा, और फिर उस पर हम मोतियों की स्ट्रिप्स लगा देंगे। आजकल ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। कुछ कांच के अलग अलग शेप्स लेके आप कोई भी अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ फ्लावर जैसा बनाया है कांच की मदद से। अब मैग्नेट्स लेंगे दो छोटे, और इस तरह पीछे के साइड में हम उसे चिपका देंगे। अब मनी प्लांट लेंगे और उसमें पानी भर के इस तरह फ्रिज में चिपका देंगे। तो तैयार है हमारा मैग्नेटिक प्लांट होल्डर। एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।